हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोकपल से स्टार्ट कर दिया था ना। आई थिंक थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। यस, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था एंड हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह बताया था। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है वो एक्चुअली हमें बताता है कि टेम्परेचर के साथ कैसे प्रेशर चेंज होता है, सॉरी टेम्परेचर के साथ कैसे मतलब डेल्टा एस चेंज होता है प्रेशर में। तो रिएक्शन का डेल्टा एस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो उसका बताता है किरचॉफ्स इक्वेशन, एक किरचॉफ्स लॉ। तो देखो ये हमें बताता है वेरिएशन, ये क्या है, दिस इज वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विद टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर क्या है, एट टी इक्वल टू टी वन हम बोल रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू है डेल्टा एच वन, एंड अगर कोई दूसरा टेम्परेचर हमने ले लिया टी टू तो वहां पर डेल्टा एच हो गया डेल्टा एच टू। ओके, तो एक्चुअल में डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा सीपी। ये हमारे पास होता है रिलेशन, और यही जो है यही है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स इक्वेशन। तो हियर डेल्टा सीपी इज समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू सीपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का सीपी माइनस रिएक्टेंट का सीपी अगर हम करेंगे तो वहां से डेल्टा सीपी आएगा, एंड डेल्टा ओके
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ किरचॉफ्स इक्वेशन में हमने क्या बताया? किरचॉफ्स इक्वेशन हमने बताया कि एक टेम्परेचर पर अगर हमें डेल्टा एच पता है तो दूसरे पर निकाल सकते हैं। ओके, फिर से एक बार लिखा देते हैं। तो ये हमें बताता है वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विद टेम्परेचर। हमारे पास रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और कैसे चेंज होता है वही किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स इक्वेशन बताता है। तो हम बोलेंगे कि एट टी इक्वल टू टी वन अगर डेल्टा एच की वैल्यू है डेल्टा एच वन एंड एट टी इक्वल टू टी टू ये वैल्यू हो गई डेल्टा एच टू। ठीक है, दूसरे टेम्परेचर पर वैल्यू डेल्टा एच टू है तो इनमें जो रिलेशन होगा वो कुछ ये होगा डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा टी टू। सो दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा टू डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री सॉरी डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच वन एंड टी वन एंड टी टू। हियर डेल्टा सीपी इज समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन इनटू सीपी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट का सीपी को स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करना देन माइनस कर देना रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन इनटू सीपी। सो इसको यूज करके अगर हमें एक टेम्परेचर पर डेल्टा एच पता है तो दूसरे पर निकाल सकते हैं। लिखो फिर आगे चलते हैं। हर्षिल फॉर्मूला याद रखना है। हो गया सबका?
अभी क्वेश्चन करो, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 50, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नंबर 50 करो। हो गया सबका ना? तो अभी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट। आदित्य इतना स्लो भाई, कितने टाइम से मैं दिखा रहा हूं पेज को।
आंसर दक्ष यार, डिफरेंस तो किसी में भी ले लो सेम आता है ना भाई, डिफरेंस जो है डेल्टा टी इट विल बी सेम, चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, डेल्टा टी तो सेम ही रहता है। यस वो तो दिया हुआ है ना, साफ साफ यूनिट तो दिया ही है सीपी का, मतलब आर का यूनिट दिया है, ऑब्वियसली सीपी भी उस हिसाब से देख सकते हो क्या होगा। कराए क्या?
तो देखो हमारे पास जो रिएक्शन वो है N2 plus 3H2 gives twice NH3. अब वो क्या बोल रहा है कि the heat of reaction delta H for the formation of NH3, for the formation of NH3 according to the reaction, जो reaction दी है उसके according, ठीक है, जो reaction दी है उसके according जो delta H है, मतलब इस reaction का जो delta H है, it is minus 91.94 kilojoule, ठीक है, ये है, तो ये कब है, at 27 degree, ठीक है, हमें निकालना है डेल्टा एच कब एट 50 डिग्री, ठीक है, तो डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इक्वल टू डेल्टा सीपी वाला आता ना, हाँ अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो सही हो, तो डेल्टा सीपी क्या होगा आपसे, तो डेल्टा सीपी जैसा हमने बताया इट इज समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू सीपी माइनस समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है ना into CP. तो पहले प्रोडक्ट का देखते हैं, तो 2 into CP of NH3 हो गया, then minus CP of N2 plus 3 times of CP of H2. अब देखो NH3 जो है पॉली एटॉमिक गैस है, तो इसका CP क्या है, इसका CP है 4R minus CP of N2 क्या है, अच्छा N2 जो है डायटोमिक है, H2 भी डायटोमिक है, तो इसका CP क्या है, इट इज 7/2R, और इसका क्या है 3 टाइम्स ऑफ हो गया 7/2R या 7R/2, तो क्या है, तो ये हमारे पास आ गया 8R माइनस, ये कितना होगा 7R हुआ क्या 14R है क्या 14R ना, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 6R, ठीक है, R की वैल्यू ऑब्वियसली 8.314 वगैरह ले सकते हैं, तो डेल्टा एच टू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा सीपी इंटू टी टू माइनस टी वन हो जाता है ना, साथ में ऑब्वियसली डेल्टा एच वन आ जाता है, अगर उसी फॉर्मूले को आगे हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, इट इज प्लस डेल्टा सीपी इंटू टी टू माइनस टी वन, ये आ जाता है, सो इट इज माइनस 91.94, अच्छा ये किलोजूल में है, तो जो अपन को डेल्टा सीपी वाला पार्ट है वो भी किलोजूल में ही लेना पड़ेगा, तो डेल्टा सीपी हमारे पास क्या है, माइनस 6R है, तो माइनस 6R की वैल्यू 8.314, लेकिन ऐसा करने पर जूल में आया, तो किलोजूल के लिए 1000, ठीक है, इंटू डेल्टा टी कितना हो गया, टी टू माइनस टी वन कितना हो गया, डेल्टा टी चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो सेम ही रहेगा, सो इट शुड बी 23, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 हमने क्यों किया है, क्लोजूल के लिए किया, ठीक है, बिकॉज डेल्टा एच वन जो है वो क्लोजूल में था, तो डेल्टा एच टू निकालने के लिए पूरा पार्ट किस में लेंगे, क्लोजूल में ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो तो ये आता है 93.08, ओके, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 93.08, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्लियर है, यस बिल्कुल दस वो भी कर सकते हो, जो किलोजूल है उसको जूल में ले सकते हो, देन 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एंड में हमें फिर से किलोजूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो दो बार कन्वर्जन क्यों करना है, एक बार ही कर लेते हैं, यस वो 93.08 है, दैट इज 93.08,
हो गया सबका? ओके तो अब आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हम यहां पर लेंगे हैश लॉ। तो देखो डेल्टा एच जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है ना। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। तो जल्दी लिखो यार। तो डेल्टा एच जो है स्टेट फंक्शन है। तो देखो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है मान लो जिसमें ए से बी बन रहा है, लेकिन हम ए से बी जो है वो कुछ डिफरेंट स्टेप से भी बना सकते हैं। मान लो हम पहले ए से सी बनाए, फिर सी से डी बनाए, और फिर मान लो डी से बी बनाए। ठीक है, मान लो ए से बी बनाने के टाइम एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच बने। एंड ए से सी में मान लो डेल्टा एच टू एंथैल्पी चेंज, सी से डी के लिए मान लो डेल्टा एच थ्री है और D से B के लिए डेल्टा H। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से हम जब यहाँ पर जा रहे हैं तो चाहे तुम ऐसे डायरेक्ट जाओ या फिर ऐसे स्टेप वाइज जाओ, डेल्टा H की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेल्टा H1 है इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक और इसी टाइप का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन जिसमें मान लो हम ए से बी बना रहे हैं और फिर बी से मान लो सी बना रहे हैं, लेकिन ए से सी मतलब ऐसे ए से बी और बी से सी बनाते हुए भी बना सकते हैं, या फिर मान लो हम यहाँ पर पहले ए से डी बना ले और फिर डी से सी बना ले, एक ऐसे भी हो सकता है, या फिर हमारे पास एक ऐसे भी आ सकता है ए से डायरेक्ट सी बन जाए। ठीक है, ऐसे मान लो दो तीन तरीके से हम ए से सी बना रहे हैं। तो मान लो इसका डेल्टा एच वन है, इसका डेल्टा एच टू एंथैल्पी चेंज, ए से डी वाले का डेल्टा एच थ्री है और डी से सी वाले का डेल्टा एच फोर है मान लो, और ए से डायरेक्ट सी वाले का डेल्टा एच फाइव। तो यहाँ पर डेल्टा एच फाइव की जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? हम ए से सी बना रहे हैं, चाहे तुम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, सेम ही एंथैल्पी चेंज है। सो दैट इज हैश लॉ, क्योंकि दैट इट इज स्टेट फंक्शन ना भाई। इनिशियली क्या और एंड में क्या उसी पे डिपेंड करेगा, तुम इनिशियल से एंड तक कैसे जा रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इट इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज हैश लॉ। तो इसका यूज वगैरह हम कैसे करते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें हम बता देते हैं, उन पॉइंट्स का इसमें मतलब हैश लॉ का उस पॉइंट्स में यूज होगा।
फाइव टू सिक्स किधर है भाई इसमें, हमने तीन चार पांच ही डेल्टा एच आए ना भाई इधर, पर्सिल्स में फाइव 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 सिक्स किधर दिख रहा है तुझे? नंबर तो ऑब्वियसली कुछ भी डाल सकते हो तुम, वो तो जस्ट मैंने से लिख दिया डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री डेल्टा एच फाइव, कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी स्टेप को कुछ भी नाम दे सकते हो। लिख लिया सबने?
हो गया सबका? तो देखो नाउ इसका यूज कैसे किया जाएगा, तो अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू सेम रहता है बट साइन जो है चेंज हो जाता है। मतलब पहले मान लो वो रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड था, तो अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो हीट रिलीज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग ए केमिकल रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रिमेन सेम बट साइन इज चेंज। इसके अलावा अगर किसी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एच जो है वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर देन डेल्टा एच इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच भी याद रखना ऐड हो जाएगा। तो ऑन एडिंग रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आर ऑल्सो एडेड, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इनको यूज करते हुए हम यहाँ पर हैस लॉ अप्लाई करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम तुम्हें बता देते, पहले लिखो। एग्जाम्पल तो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास यार रिएक्शन है दस, ये मान लो रिएक्शन है ए प्लस टू बी गिव्स थ्री सी। इस रिएक्शन का मान लो डेल्टा एच एक्स है, तो इस रिएक्शन को मान लो हमने टू से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रिएक्शन ये हो गई। तो अभी इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो टू एक्स हो गया, ओके। तो जिस रिएक्शन जिस नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एच भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यस दक्ष,
ये एडिशन ऑफ का ही तो एक तरह से एग्जांपल हो गया ना, ये देखो एक तरह से एडिशन वाला ही तो है। ये क्या है, ये वाला जो है ये एडिशन वाला ही तो है देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन एड ही हो रही है ना। एक रिएक्शन ए से सी है, दूसरी रिएक्शन सी से डी है, तीसरी रिएक्शन डी से बी है। तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए से बी आएगा ना। तो रिएक्शन को ऐड करके करेंगे तो डेल्टा एच भी ऐड ही हो रहा है। रिएक्शन को ऐड करने का मतलब यही होता है ना, एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन में ऐड करना, मतलब जो अपोजिट साइड वाले कैंसिल आउट होंगे ऑब्वियसली, ये सी से सी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, सो एंड में रिएक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, ए से बी आएगी। फर्स्ट वाले पॉइंट का एग्जांपल क्या होगा दक्ष, फर्स्ट वाले पॉइंट का एग्जांपल दक्ष ये होगा, दक्ष के हर्षिल, ए से बी जब बन रहा है तो मान लो डेल्टा एच की वैल्यू एक्स है प्लस एक्स, तो बी से ए बनेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस एक्स। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ए से बी बन रहा है तो एनर्जी मान लो रिक्वायर्ड है, तो बी से ए बनाएंगे तो सेम एनर्जी रिलीज होगी। तो अब देखो इसको हम एग्जांपल से बता देते हैं और क्लियर कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो यूजिंग हैश लॉ, डेल्टा एच ऑफ फ्यू रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड थियोरेटिकली फॉर विच एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनका डेल्टा हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, बट हैश लॉ को यूज करके थियोरेटिकली जरूर निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच ऑफ सी प्लस हाफ ओ टू गिव सी ओ इज डिटरमाइंड एज, तो देखो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस गिव सी ओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकाल रहे हैं। तो हमारे पास एक ये रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच मान लो हमें दिया है एक्स, और एक दूसरी रिएक्शन हमारे पास इसका डेल्टा एच हमें दिया है वाई। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे बना सकते हो तुम, ये दोनों रिएक्शन को यूज करके ये वाली रिएक्शन कैसे बना सकते हो। ठीक है, दोनों रिएक्शन को यूज करके तुम ये वाली रिएक्शन बना लिए, तो जैसे ये रिएक्शन आ जाएगी उसी हिसाब से उसका डेल्टा एच आ जाएगा। तो देखो तुम्हें चाहिए कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में ही है, इसके अलावा तुम्हें चाहिए सीओ राइट हैंड साइड में, तो सेकेंड रिएक्शन में सीओ है बट वो लेफ्ट हैंड साइड में, तुम्हें चाहिए राइट हैंड साइड में, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो फर्स्ट रिएक्शन को तो एज इट इज रखना है, और सेकेंड रिएक्शन को क्या करना है, सेकेंड रिएक्शन में सीओ जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तुम्हें उसको राइट हैंड साइड लेके आना है, इसका मतलब क्या रिवर्स करना है ना। ओके, रिवर्स करना है या फिर रिवर्स करने को हम ऐसे बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय माइनस वन करना है। ओके, रिवर्स करना मतलब मल्टीप्लाई बाय माइनस वन करना। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रखना है, मतलब उसको हमें बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय वन करो,
एंड सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करना मतलब मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कर दो। तो ऐसे अगर हम कर देंगे तो हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है मतलब जिसका हमें डेल्टा चाहिए वो वाली रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गई। तो इसका जो डेल्टा एच है वो क्या आएगा, तो जैसा हमने रिएक्शन के साथ किया वो सेम चीज डेल्टा एच के साथ करेंगे। तो रिएक्शन को फर्स्ट रिएक्शन को वन से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड को माइनस वन से एंड देन ऐड किया था। तो फर्स्ट रिएक्शन को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही रहा, सेकंड रिएक्शन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच क्या हो गया, माइनस वाई। ठीक है, और फिर ऐड कर दिया तो ये जो गिवन रिएक्शन इसका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम डेल्टा एच निकाल पाते हैं यूजिंग हैस लॉ। दस ये वेरीफाई उन रिएक्शन में किया गया पहले जिनमें एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन भी पॉसिबल है, तो वहां पर ये करेक्ट गया, मतलब हर जगह करेक्ट होगा। दक्ष मैं बोल रहा था कि जिन रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन पॉसिबल है वहां पर वेरीफाई करके देख लेंगे, अगर वहां पर वेरीफाई हो गया देन हर जगह एप्लीकेबल होगा ना। फिर वो डेल्टा एच ऑफ फ्यू, डेल्टा एच ऑफ फ्यू रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड।
हो गया सबका? तो नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो. तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 59. फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 59. बोलो सर, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग अ रिएक्शन बाय माइनस वी आर बेसिकली रिवर्सिंग द रिएक्शन ना. ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 कर रहे हैं तो मतलब वही है. मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मतलब कि फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर रहे हैं. नहीं नहीं, सेकंड को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड को रिवर्स कर दिया ना, इसलिए माइनस y हो गया. बेसिकली फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 1 किया, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 किया, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट किया. ठीक है, अब जस्ट मैं बोलता हूं वी आर मल्टीप्लाइंग रिएक्शन बाय माइनस. हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, दोनों का ऐड कर दिया. वैसे भी सेम थिंग. वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि जब सेकंड रिएक्शन में मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को वन से, एंड देन दोनों रिएक्शन को ऐड किया. तो सेकंड रिएक्शन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, उसको रिवर्स किया. तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स किया, फर्स्ट को एज इट इज रखा, एंड देन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया. सर, सेकंड को रिवर्स करेगा तो CO2 कैन बी ब्रोकन इनटू CNO2, ऐसा होता है रियल में? लाइक अरे यार, रिवर्स किया, वी आर डूइंग दिस ओनली थ्योरेटिकली, सो वी आर रिवर्सिंग द रिएक्शन. तो उसे CO2 से CO2 कैंसिल आउट हो गया ना ऐड करने पर. अच्छा हाँ, यस यस ओके. दोनों रिएक्शन मतलब सेकंड रिएक्शन को रिवर्स किया तो CO2 लेफ्ट हैंड साइड आया, और फर्स्ट रिएक्शन में CO2 राइट हैंड साइड है, तो CO2 से CO2 कैंसिल आउट, जो ओरल रिएक्शन में से CO2 आएगा नहीं. Yes, okay.
कराए क्या? तो देखो हमें यहां पर निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो किस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच चाहिए? हमें डेल्टा एच चाहिए पता है किस रिएक्शन का? अच्छा H2SO4 जो है वो कैसे बनेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए? याद है मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने बताया था कि वन मोल बनना चाहिए और किससे बनना चाहिए? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है तो वन मोल ऑफ H2SO4 किस किस से बनना चाहिए? हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो वन मोल बनना चाहिए, तो बैलेंस करेंगे तो ये देखो बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है तो ये रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है यूजिंग गिवन रिएक्शन। ठीक है तो हमें देखो क्या क्या दिया है। हमें एस प्लस ओ टू गिव्स एस ओ टू का दिया है। डेल्टा एच कितना दिया? इट इज माइनस 298.2 किलोजूल पर मोल। सभी किलोजूल पर मोल में है। ठीक है चलो यूनिट रहने देते हैं, किलोजूल पर मोल में ही है। इसके अलावा एस ओ टू प्लस हाफ ओ टू वाली रिएक्शन का क्या दिया है? गिव्स एस ओ थ्री। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया है माइनस 98.7। SO3 प्लस H2O वाली रिएक्शन का क्या दिया है? H2SO4। ठीक है इस रिएक्शन का हमें दिया डेल्टा एच माइनस 130.2 एंड H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया है माइनस 287.3। तो देखो ये चारों रिएक्शन से ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है कैसे आ सकती है यार? तो हमें H2 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक H2 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ये टेम्परेचर दिया तो उससे क्या मतलब है? टेम्परेचर 298 केल्विन पर ही दिया सब चीजें, 298 केल्विन पर ही निकालना है। डिफरेंट टेम्परेचर पर थोड़ी निकालना है डेल्टा। अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर निकालना होता देन किरचॉफ्स इक्वेशन यूज कर। तो अब देखो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, मतलब ये चारों रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, उसको यूज करके वो ऊपर वाली जो हमने रिएक्शन लिखी है उसका डेल्टा एच निकालना है। हमें एक H2 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और देखो एक ही H2 है ना। हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन में? एक H2 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर एक ही H2 होगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। ठीक है देन हमें H2SO4 चाहिए राइट हैंड साइड में, है ना। राइट हैंड साइड में H2SO4 चाहिए, कितना H2SO4 चाहिए? एक। इस वाली रिएक्शन में H2SO4 राइट हैंड साइड में और एक ही है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 ही करेंगे, कुछ डिफरेंट है ही नहीं। अच्छा जब ऐसा हम कर रहे होंगे तो SO3 देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, बट हमें SO3 तो चाहिए ही नहीं। तो SO3 क्या होना चाहिए? कैंसिल आउट होना चाहिए ना। तो SO3 तो कैंसिल आउट तभी होगा जब इस रिएक्शन को ऐड करें, है ना, क्योंकि SO3 से SO3 कैंसिल आउट, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे जिससे कि SO3 कैंसिल आउट हो जाए। इसके अलावा हमें सल्फर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, कितना सल्फर चाहिए? एक। और हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में सल्फर एक है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन ऐड कर। तो सारी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है एंड देन ऐड करना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारी रिएक्शन को ऐड कर। तो अगर हम सब रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है वो वाली रिएक्शन मिल जाएगी। सारी रिएक्शन को ऐड कर दो तो तुम्हें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा? ऑब्वियसली सारी रिएक्शन को डेल्टा एच को ऐड कर दो, बिकॉज सारी रिएक्शन ऐड किया तो डेल्टा एच भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो माइनस 298.2 माइनस 98.7 माइनस 130.2 एंड देन माइनस 287.3। ठीक है तो डेल्टा एच भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको? SO2 भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, सॉरी ये सेकंड रिएक्शन में SO2 ही है, वो SO नहीं है, वो SO2। SO2 भी कैंसिल आउट हो रहा है। हर्षिल
सेकंड वाली रिएक्शन, O2 तो हर रिएक्शन में है ना, O2 ऐसा थोड़ी इसी रिएक्शन में है, O2 तो फर्स्ट रिएक्शन में भी है, सेकंड में भी है, लास्ट वाली में भी है, तो सभी रिएक्शन को जब तुम मल्टीप्लाई बाय 1 करके ऐड करोगे तो 2O2 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, सो डेल्टा एच यहाँ पर क्या आ जाता है, 8 - 814.4। तो ये हमारे पास डेल्टा एच आ गया। दक्ष तो टेम्परेचर दिया है तो क्या हो गया भाई, टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया, 298 केल्विन पर ही निकाला, फिर हमने भी जो डेल्टा एच निकाला है, और ये जो वैल्यू है वो भी उन्होंने 298 पर ही दी होंगी, जो वैल्यूज दिए वो भी उन्होंने 298 पर दी होंगी। अलग अलग रिएक्शन का जो डेल्टा एच दिया वो भी 298 पर दिया होगा। हो गया सबका, तो आगे चलते हैं। तो अब देखो, तुमने बॉन्ड एवर साइकिल के बारे में कहीं पे पढ़ा होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग में आया था एक जगह बॉन्ड एवर साइकिल, तो बॉन्ड एवर साइकिल जो है वो हैश लॉ पर ही बेस्ड होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पर बॉन्ड एवर साइकिल। तो बेस्ड ऑन हैश लॉ,
तो हैसलो पर ही वेस्ट होता है वो। तो देखो वहां पर क्या होता है, हम लैटिस एनर्जी निकालते हैं बॉन्ड एवर साइकिल को यूज करके। और कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जैसे मान लो NaCl का लैटिस एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो NaCl का लैटिस एनर्जी में हमारे पास क्या आएगा, लैटिस एनर्जी में क्या आता है, NaCl सॉलिड गिव्स Na पॉजिटिव गैस एंड Cl नेगेटिव गैस, याद है। वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन में ब्रेक होता है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लैटिस एनर्जी है ना। इसको ऐसा भी बोलते थे कि वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से बनता है तो जो एनर्जी रिलीज है वो भी लैटिस एनर्जी है ना। तो हमें NaCl का मान लो यहाँ पर लैटिस एनर्जी निकालना है, तो NaCl का बॉन्ड एवर साइकिल देखो क्या होगा। तो यहाँ पर हम एक स्टेप लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl वाला। तो NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड। यही ऑब्वियसली क्या है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। नाउ Na और Cl2 से इस टाइप से NaCl हम बना सकते हैं, एंड इस रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। बट अब हम कुछ स्टेप वाइज जाके भी NaCl बना सकते हैं, ठीक है। Na सॉलिड और Cl2 गैस के कुछ डिफरेंट स्टेप्स ले हम यहाँ पर, एंड देन NaCl बना ले। उनमें से एक स्टेप ऑब्वियसली Na पॉजिटिव गैसेस आयन और Cl नेगेटिव गैसेस आयन वाला आना चाहिए, जिससे कि लैटिस एनर्जी आता है। तो Na पॉजिटिव गैसेस आयन और Cl नेगेटिव गैसेस आयन बनेगा कैसे, तो सबसे पहले तो ये Na सॉलिड जो है ये कन्वर्ट होगा Na गैस में, मतलब दोनों गैसेस एटम बनाएंगे। Na सॉलिड ने गैसेस एटम बना लिया, नाउ Cl2 जो है वो मॉलिक्यूल है वो भी गैसेस एटम बनाएगा, किसका, Cl का। तो यहाँ पर Na सॉलिड Na गैस में कन्वर्ट हुआ तो जो एनर्जी आती है वो होती है सब्लिमेशन वाली, ठीक है। डेल्टा एच सब्लिमेशन, सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। तो ये हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है, बिकॉज वन मोल का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे, हाफ का कर रहे। अब देखो Na गैस और Cl गैस हमारे पास आ गया है, अब Na गैस से Na पॉजिटिव गैसेस आयन बनेगा। तो Na पॉजिटिव गैसेस आयन बना तो ये कौन सा एनर्जी है बताओ यार, Na गैस से Na पॉजिटिव गैसेस आयन बना कौन सा एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? ओके, सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और बन गया Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव गैसेस आयन, ये कौन सा एनर्जी है यार, ये कौन सा एनर्जी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमारे पास Na पॉजिटिव गैसेस आयन भी आ गया, Cl नेगेटिव गैसेस आयन भी आ गया, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो ये कौन सा एनर्जी आ गया, Na पॉजिटिव गैसेस आयन प्लस Cl नेगेटिव गैसेस आयन गिव्स NaCl, कौन सा है ये, लैटिस एनर्जी है क्या, ओके, सो दिस इज लैटिस एनर्जी, ओके। तो इस टाइप से ही हमारे पास आ गया बॉन्ड एवर साइकिल, ओके। सो डेल्टा एच एफ जो है वो क्या हो जाएगा अभी, तो डेल्टा एच एफ शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस, और क्या क्या आएगा, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, क्लियर है क्या। तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ये सब हो जाएगा। तो इसे कैसे देखो, मतलब हमें यहां पर ये सारी वैल्यूज पता हो, ये वैल्यूज जो है पता हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दक्ष, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड, वही बॉन्ड डिसोसिएशन हुई ना, सीएल और सीएल के बीच में बॉन्ड है ना, उसे ब्रेक करना है। Cl2 में Cl और Cl एटम के बीच में बॉन्ड है तो उसे क्या करना, ब्रेक करना है जिससे कि Cl एटम मिल जाए, ओके। सो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच सब्लिमेशन है वो,
सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन हुआ ना, तो दैट इज डेल्टा एच सब्लिमेशन. सब्लिमेशन सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. अगर तुम यहाँ पर साइन की बात करोगे ना तो साइन वाइज देखो सब्लिमेशन जो है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड. डिसोसिएशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या रहेगा, नेगेटिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है. एंड ये जो लैटिस एनर्जी ये भी क्या है, नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से बन रहा है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. ओके तो यहां पर साइन वाइज जब देखेंगे तो ये हमारे पास साइन आ गया अलग अलग. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी यहां पर नेगेटिव वैल्यू में रहेंगे, बाकी सारे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में रहेंगे. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई पॉजिटिव. बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट्स व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में तो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वो भी पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं और नेगेटिव आयन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. एंड लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली कौन सी वाली है, यहाँ पर वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से, है ना, तो ये एनर्जी रिलीज होता था, दैट्स व्हाई वो नेगेटिव. हो गया सबका? डेल्टा एच तो डिपेंड करेगा ना, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, वो फिक्स नहीं है. जनरली वो पॉजिटिव होता है बट इट कैन बी नेगेटिव समटाइम.
हो गया सबका. नाउ बॉन एवर साइकिल बनाओ तुम MgCl2 का. ओके MgCl2 का बॉन एवर साइकिल रिएक्शन जो है तुम्हें पता ही होगी. एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 क्या होगा? Mg+Cl2 गिव्स MgCl. ठीक है, तो इसका बॉन एवर साइकिल क्या होगा?
ओके सो यहाँ पर देखो एमजी जो है वो कन्वर्ट होगा एमजी गैस में पहले, ऑब्वियसली सब्लिमेशन वाला आ गया। सिमिलरली सीएल टू जो है कन्वर्ट हो जाएगा सीएल एटम, तो दो सीएल के एटम आ जाएंगे एंड यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आ गया या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आया। अब देखो एमजी सॉलिड जो है उसको एमजी टू पॉजिटिव में कन्वर्ट है, लेकिन डायरेक्ट एमजी टू पॉजिटिव में नहीं जाए, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो है आयनाइजेशन एनर्जी थ्री, ठीक है। एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसमें ऐड होंगे तो हमारे पास दो सीएल के आयन आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखो एक सीएल का आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, टू सीएल का आयन मतलब टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एमजी टू पॉजिटिव गैसेस आयन आ गया, दो सीएल के आयन आ गए, दोनों जो है मिलके बनाएंगे एमजी सीएल टू, तो ये क्या आ गया, दिस इज लैटिस एनर्जी, ओके। तो बॉन्ड एवर साइकिल बन गया। नाउ डेल्टा एच एफ क्या होगा, सो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी वन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी टू प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी, है ना। ये दोनों जो है ये रिलीज वाले होंगे, मतलब नेगेटिव साइन होंगे इनके, बाकी सभी के क्या होंगे, पॉजिटिव साइन। तो दिस इज बॉन्ड हेवर साइकिल ऑफ MgCl2। आई वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन और टू थोड़ी आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन और टू कब आता, जब ये होता पहले सीएल नेगेटिव बनता, फिर सीएल नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड होता और सीएल टू नेगेटिव बनता, देन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता वन एंड टू, समझाया। यहाँ पर एक ही सीएल में इलेक्ट्रॉन, एक सीएल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दो सीएल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ओके। सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सीएल से सीएल नेगेटिव आयन ही बन रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन एंड टू कब आता, जब एक ही सीएल में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड होते, यहां पर दो सीएल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। हर्षिल लैटिस एनर्जी तो यार क्या बताया था, जब वन मोल आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से बनता है तो लैटिस एनर्जी नेगेटिव होता है या एनर्जी रिलीज होता है, इसके लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग हमने बताया है कि हमारे पास लैटिस एनर्जी नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, तो होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क है अपने पास फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है 47, ठीक है, दैट्स इट। सो ये आज का होमवर्क है। एंड में डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से एक बार होमवर्क बता देता हूँ।
62, 63 आई थिंक लास्ट टाइम लिया है ना, नहीं लिया तो 63 भी ले लो। ओके, इससे आज का होमवर्क है, तो लेक्चर ए पे एंड करते हैं, बाय।